जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भक्त पद्मनाभ की सुरक्षा भगवान का सुदर्शन चक्र किस प्रकार करता है। प्राचीन काल की बात है, आजकल जहां श्री बालाजी का मंदिर है वहां से थोड़ी दूर तक एक चक्र पुष्कारिणी नाम का तीर्थ था। उसके तट पर श्री वत्स गोत्रीय पद्म नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। भगवान के नाम का जप, भगवान का स्मरण और चिंतन, यही पद्म नाम के जीवन का व्रत था। वे अपने सुख दुख की उन्हें कभी चिंता नहीं करते थे, परंतु दूसरों के दुख की कल्पना से ही उनका हृदय भर जाता था। दीन दुखियों के प्रति उनके हृदय में बहुत दया थी। सभी इंद्रियां उनके वश में थी। कभी वे सूखे पत्ते खा लेते तो कभी पानी पर ही निर्वाह कर लेते, और कभी कभी तो भगवान के ध्यान में इतना तन्मय हो जाते कि उन्हें ना तो शरीर की सुध रहती और ना ही भूख प्यास की। उनका हृदय भगवान के दर्शन के लिए छटपटा रहा था। वह केवल अपने प्रियतम प्रभु को प्राप्त करना चाहते थे। उनके हृदय में आशा और निराशा के भयंकर तूफान उठा करते थे। कभी वे सोचने लगते कि भगवान बड़े दयालु हैं, वे अवश्य ही मुझे मिलेंगे, मैं उनके चरणों पर लौट जाऊंगा, अपने प्रेम आश्रुओं से उनके चरणों को भिगो दूंगा, वे अपने कर कमलों से मुझे उठाकर हृदय से लगा लेंगे, मेरे सर पर हाथ रखेंगे, मुझे अपना कहकर स्वीकार करेंगे। कितना सौभाग्यमय होगा वह क्षण, कितना मधुर होगा उस समय का जीवन। वे कहेंगे वरदान मांगो, और मैं कहूँगा मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मैं तो बस तुम्हारी सेवा करूँगा, तुम्हें देखा करूँगा, तुम मुझे भूल जाओ या याद रखो, मैं तुम्हें कभी ना भूलूँगा। ऐसी भावना करते करते पद्मनाभ आनंद विभोर हो जाते और उनका शरीर रोमांच से भर जाता और आँखों से आंसू गिरने लगते। उनकी यह प्रेम मुग्ध अवस्था बहुत देर तक रहती थी। वे सारे संसार को भूलकर प्रभु की सेवा भक्ति में लगे रहते थे। कभी कभी उनके मन में ठीक इसके विपरीत भावना होने लगती थी कि मैं एक दीनहीन शुद्र प्राणी, मलिन हृदय वाला, और कहाँ पूरे ब्रह्मांडों के अधिपति भगवान, मुझ जैसे पापी के हृदय में वे क्यों आने लगे। मैंने ऐसी कौन सी साधना की है जिसे खुश होकर वे मुझे दर्शन देंगे। मुझे ना तो जप आता है, ना तप आता है, ना व्रत और ना ही समाधि आती है। जिस हृदय से भगवान का चिंतन करना चाहिए उस हृदय से संसार का चिंतन करता रहता हूँ, यह तो अपराध है, इसका दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए। मैं दुख की ज्वाला में झुलस रहा हूँ, संसार के विषयों में भटक रहा हूँ, फिर भी भगवत प्राप्ति की आशा है। कई बार निराशा इतनी बढ़ जाती कि उन्हें अपने जीवन भार के समान लगता था। कभी कभी तो वह मूर्छित तक हो जाते थे और बेहोशी में ही पुकारने लगते, हे प्रभु, हे स्वामी, क्या तुम मुझे अपने दर्शन नहीं दोगे। इसी प्रकार रोते रोते बिलकते बिलकते मर जाना ही क्या मेरे भाग्य में लिखा है। मैं मृत्यु से नहीं डरता, इस नीच जीवन का अंत हो जाए वही अच्छा है, परंतु मैं तुम्हें देख ना पाऊंगा, ना जाने कितने जन्मों के बाद तुम्हारे दर्शन हो सकेंगे। मेरी ये करुणा पुकार क्या तुम्हारे विश्वव्यापी कानों तक नहीं पहुँचती, अपना लो प्रभु। इस प्रकार प्रार्थना करते करते वे चेतना शून्य हो जाते। एक दिन उनकी यह तपस्या पराकाष्ठा तक पहुंच गई। उन्होंने सच्चे हृदय से संपूर्ण शक्ति से भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब मुझे अधिक मत तरसाओ, तुम्हारे दर्शन की आशा से अब और कितने दिनों तक जीवित रहूंगा। एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है, संसार सूना दिखता है, और वे आंखें किस काम की जिन्होंने आज तक आपके दर्शन नहीं किए। अब इनका फूट जाना ही अच्छा है। यदि इस जीवन में तुम नहीं मिल सकते तो इसे नष्ट कर दो। मुझे स्त्री पुत्र धन जन लोक परलोक कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपका दर्शन चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। एक बार आप मुझे अपना स्वीकार कर लें, बस इतना ही चाहिए। भगवान के धैर्य की भी एक सीमा है, वे अपने प्रेमियों से कब तक छिप सकते हैं। ये तो सर्वदा सब जगह सबके पास ही रहते हैं, केवल प्रकट होने का अवसर ढूंढा करते हैं। जब देखते हैं कि मेरे प्रकट हुए बिना अब काम नहीं चल सकता, तब उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं। वे तो पद्मनाभ के पास पहले से ही थे, उनके तप, उत्कंठा और प्रार्थना को देख देख कर मुग्ध हो रहे थे। जब उनकी अवधि पूरी हो गई तब वे पद्मनाभ ब्राह्मण के सम्मुख प्रकट हो गए। सारा स्थान भगवान की दिव्य अंग ज्योति से जगमगा उठा। पद्मनाभ की पलकें उस प्रकाश को रोक नहीं सकी। सहस्त्र सूर्यों के समान दिव्य प्रकाश और उसके भीतर
शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज भगवान खड़े थे। भगवान को देखकर हृदय शीतल हो गया। पद्मनाभ का संपूर्ण हृदय उन्मुक्त होकर भगवान के कृपापूर्ण नेत्रों से बरसती हुई प्रेम धारा में डूबने लगा। ऐसा लग रहा था मानो जन्म की अभिलाषा पूरी हो गई हो। भगवान खड़े खड़े केवल मुस्कुरा रहे थे। कुछ क्षण तक निस्तब्ध रहकर पद्मनाभ ने स्तुति की, प्रभु आप ही मेरे निखिल जगत के स्वामी हैं, संपूर्ण ऐश्वर्य और माधुर्य आप ही के आश्रित है। आप पतित पावन हैं, आपके स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। आप घट घट में व्यापक हैं, इस जगत के बाहर और भीतर केवल आप ही तो हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी आपका रहस्य नहीं जानते, केवल आपके चरणों में भक्ति भाव से नम्न होकर प्रणाम करते हैं। आप क्षीर सागर में शयन करते रहते हैं, फिर भी अपने भक्तों की विपत्ति का नाश करने के लिए सर्वत्र चक्रधारी रूप में विद्यमान रहते हैं। भक्त आपके हैं और आप भक्तों के हैं। जिसने आपके चरणों में अपना सर झुकाया, उसको आपने समस्त विपत्तियों से बचाकर परम आनंदमय अपना धाम दिया। मैं आपका हूँ, आपके चरणों में समर्पित हूँ, नतमस्तक हूँ। इतना कहकर पद्मनाभ मौन हो गए। अब भगवान की बारी आई। वे जानते थे कि पद्मनाभ निष्काम भक्त है। इनके मन में ना तो संसार के भोगों की बात है और ना ही मुक्ति की इच्छा है। इसलिए उन्होंने पद्मनाभ से वर मांगने को नहीं कहा। उनके मन की स्थिति जानकर भगवान ने कहा, हे महाभाग ब्राह्मण देव, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हृदय में केवल मेरी ही सेवा की इच्छा है, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। कल्प पर्यंत मेरी सेवा करते हुए यही निवास करो और अंत में तो तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और पद्मनाभ का शरीर तथा मानसिक सेवा करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगे। इसी प्रकार भगवान की सेवा पूजा करते हुए पद्मनाभ को अनेकों वर्ष बीत गए। वे एक दिन भगवान का स्मरण करते हुए उनकी पूजा कर रहे थे। इसी समय एक भयंकर राक्षस ने उन पर आक्रमण किया। उन्हें अपने शरीर का मोह नहीं था। राक्षस खा जाएगा इस कल्पना से उनके मन में यह प्रश्न अवश्य उठा तब क्या भगवान ने मुझे अपनी सेवा पूजा का जो अवसर दिया है वह आज ही इसी क्षण समाप्त हो जाएगा। भगवान ने मुझे तो एक कल्प तक पूजा करने का वरदान दिया है, यह क्या झूठा हो जाएगा? यह तो बड़े दुख की बात है। यह सोचकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने पद्म भक्तनाभ की रक्षा के लिए अपने प्रिय सुदर्शन चक्र को भेज दिया। चक्र का तेज कोटि कोटि सूर्य के समान है। भक्तों के भय को जला डालने के लिए आग की भीषण लपटें उससे निकला करती हैं। चक्र की तेजोमय मूर्ति देखकर वह राक्षस भयभीत हो गया और ब्राह्मण को छोड़कर बड़े वेग से भागा। परंतु सुदर्शन उसे कहाँ छोड़ने वाला था, उन्हें उस राक्षस का भी तो उद्धार करना ही था। यह राक्षस आज से 16 वर्ष पहले गंधर्व था। उसका नाम सुंदर था। वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया था। उसकी स्त्रियों से के प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी ने कहा था कि यह राक्षस तो होगा, परंतु आज से 16वें वर्ष बाद जब वह भगवान के भक्त पद्मनाभ पर आक्रमण करेगा तब सुदर्शन चक्र इसका उद्धार करेगा। आज यही 16वां वर्ष पूरा होने वाला है। राक्षस बड़े वेग से भाग रहा था, परंतु सुदर्शन चक्र से बचकर कहाँ जा सकता था। देखते ही देखते सुदर्शन चक्र ने उसका सर काट दिया और क्षण भर में यह राक्षस गंधर्व बन गया। दिव्य शरीर, दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषणों से युक्त होकर सुंदर ने सुदर्शन चक्र को प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति की। तत्पश्चात दिव्य विमान पर सवार होकर अपने लोक की यात्रा की। भक्त पद्मनाभ ने सुंदर के गंधर्व लोक में चले जाने पर सुदर्शन चक्र की स्तुति की। सुदर्शन चक्र ने भक्त पद्मनाभ की प्रार्थना स्वीकार की और कहा, भक्तवर तुम्हारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि तुम भगवान के परम कृपा पात्र हो। मैं यही तुम्हारे समीप ही सर्वदा निवास करूंगा। तुम निर्भय होकर भगवान की सेवा पूजा करो। अब तुम्हारी उपासना में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं पड़ सकता। भक्त पद्मनाभ को इस प्रकार वरदान देकर सुदर्शन चक्र सामने की पुष्करणी में प्रवेश कर गए। इसी से उसका नाम चक्र तीर्थ हुआ। भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करके भक्त पद्मनाभ का हृदय प्रेम और आनंद से भर गया। वह अब और भी तन्मयता तथा तत्परता से भगवान की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा।
ऐसे प्रेमी भक्तों का जीवन ही धन्य है, क्योंकि ये पल पल और पग पग पर भगवान की अनंत कृपा का अनुभव करके मस्त रहा करते हैं। जय श्री